नमस्कार प्यारे दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आई टी डेली जॉब अपडेट पर। गाइस, जैसे लोगों को पता है कि मैं हमारे चैनल पर हर रोज़ आईटी पास आउट छात्रों के लिए 2 से 3 वीडियो आईटीआई से निकलने वाली सभी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज की लेकर आता हूं। और सबसे पहले अपडेट हमारे चैनल पर 100% रियल जॉब अपडेट दी जाती है। बीएसएफ की तरफ से यानी कि सीमा सुरक्षा बल की तरफ से आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए फिलहाल फाइनली रिक्वायरमेंट जारी कर दी गई है और इसका ऑफिशियल नोटिस मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल हैं। ये जो वीडियो हैं सबसे पहले आपको हमारे ही चैनल पर देखने को मिल रही हैं। अभी तक कहीं पर भी आपको इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली होगी। बिल्कुल सही और सच्ची इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा चैनल हमेशा जाना जाता है। आईटीआई की इसमें कई ट्रेड को मौका मिला है। आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए कंप्लीट वीडियो होगी। वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। वीडियो को शुरू करेंगे दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करना। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही दोस्तों, हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाओ जाकर ज्वाइन कर लो ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आप टेलीग्राम पर नहीं हैं तो आप व्हाट्सएप पर भी ऐड हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। अरे दोस्तों, देखिएगा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ की तरफ से फाइनली शॉर्ट नोटिस का जारी कर दिया है आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए और डिप्लोमा और बीटेक वाले छात्रों के लिए भी। डिप्लोमा वाले छात्र भी एलिजिबल रहेंगे। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट है। ग्रुप बी एंड सी दोनों पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट निकाली गई है। ग्रुप सी की जो रिक्वायरमेंट है आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए कम्प्लीटली होने वाली है। इसमें हम बात करेंगे कौन कौन सी ट्रेड के छात्र एलिजिबल रहेंगे, तो पहले ट्रेड को डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप लोगों का समय किसी भी प्रकार से ये ना लगे आपको कि कभी ये ट्रेड को बताएंगे। तो मैं पहले ही ट्रेड को बता दूं, काफ़ी सारी ट्रेड के छात्रों को इसमें मौका मिला है। तो देखिएगा, सबसे पहले हेड कांस्टेबल प्लम्बर के लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, जिसमें 10+ आईटी आप लोगों से मांगा है प्लम्बर ट्रेड से और 3 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों से इन्होंने मांगा है। इसके बाद हेड कांस्टेबल कारपेंटर के लिए 10+ आईटीआई मांगा है कारपेंटर ट्रेड से, सिर्फ और सिर्फ कारपेंटर ट्रेड से, और 3 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों से यहाँ पर मांगा है। इसके बाद कॉन्स्टेबल जनरेटर ऑपरेटर ट्रेड के लिए, अगर आपने आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से किया है, फिर से सुन लो, अगर आपने आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से किया है, अगर आपने आईटीआई वायरमैन से किया है, या आपने आईटीआई डीजल मैकेनिक ट्रेड से किया है या मोटर मैकेनिक ट्रेड से किया है, एक बार फिर से ट्रेड को देखेंगे, अगर आपने आईटीआई इलेक्ट्रीशियन वायरमैन और डीजल मैकेनिक और मोटर मैकेनिक व्हीकल इन सारी ट्रेड में से किसी भी एक ट्रेड से किया हुआ है और 3 साल का एक्सपीरियंस है आप लोगों के पास जनरेटर ऑपरेटर का या अपनी ट्रेड से संबंधित, तो आप लोग एलिजिबल रहेंगे। अगली पोस्ट है कॉन्स्टेबल जनरेटर मैकेनिक के लिए। इसमें 10+ आईटी आप लोगों का जो होना चाहिए वो या तो डीजल मैकेनिक ट्रेड से हो या मोटर मैकेनिक ट्रेड से हो। एक बार फिर से देख लो, इसमें जो एक्सपीरियंस आप लोगों से मांगा है वो 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर आपने डीजल मैकेनिक या मोटर मैकेनिक ट्रेड से आईटी किया हुआ है तो जनरेटर मैकेनिक के लिए आप लोग एलिजिबल हैं। कॉन्स्टेबल लाइनमैन के लिए 10+ आईटी आप लोगों से मांगा है, ट्रेड देखेंगे इलेक्ट्रिकल वायरमैन एंड लाइनमैन, तीनों ट्रेड के छात्र एलिजिबल हैं। कौन कौन सी ट्रेड हैं फिर से देखेंगे, अगर आपने आईटीआई इलेक्ट्रिकल ट्रेड से की है, वायरमैन ट्रेड से की है या लाइनमैन ट्रेड से की है, तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। एज की बात करेंगे, उससे पहले हम पोस्ट की बात कर लेते हैं कि आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए यहाँ पर कितनी पोस्टें निकल कर आई हुई हैं। तो एक बार सारे बच्चे पोस्ट देखेंगे। देखिएगा, यहाँ पर ग्रुप सी की जो रिक्वायरमेंट है हेड कांस्टेबल प्लम्बर में, प्लम्बर ट्रेड के छात्र एलिजिबल हैं, जिनके लिए यहाँ पर एक पोस्ट है। हेड कांस्टेबल कारपेंटर के लिए एक पोस्ट है। कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर के लिए 13 पोस्टें यहाँ पर हैं, जिसमें अलग अलग ट्रेड के छात्र एलिजिबल हैं। कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक के लिए 14 पोस्टें हैं, जिसमें अलग अलग ट्रेड के छात्र एलिजिबल हैं। तो देखेंगे दोस्तों, कॉन्स्टेबल लाइनमैन के लिए, लाइनमैन में इलेक्ट्रिकल वायरमैन और लाइनमैन ट्रेड के छात्र एलिजिबल हैं, जिनके लिए यहाँ पर 9 पोस्ट हैं। ये ऑल इंडिया परमानेंट सरकारी भर्ती हैं आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए। यहाँ पर एज लिमिट जो दी हुई है, एज लिमिट आप देख पा रहे होंगे, आईटीआई पास आउट छात्रों की सिर्फ हम बात करेंगे तो आईटीआई वालों की एज यहाँ पर देखेंगे तो देखिएगा, सभी के लिए अलग अलग एज हैं। 18 से 25 साल तक एज जो रखी है वो जनरेटर मैकेनिक, जनरेटर ऑपरेटर और लाइनमैन के लिए हैं। कारपेंटर के लिए 18 से 25 साल, प्लम्बर के लिए भी 18 से 25 साल, यानी कि आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए जो टोटल एज लिमिट इन्होंने रखी है वो 18 से 25 साल के बीच रखी है। इसमें एज रिलैक्सेशन आप लोगों को ओबीसी को 3 साल का, एससी एसटी कैटेगरी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। इसकी जो फुल डिटेल है आप लोगों की जल्दी ही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो requirement.bsf.government.in है उस पर आप लोगों को मिलेगी। इन्होंने यहाँ पर बता दिया है, ये शॉर्ट नोटिस जो है जो इन्होंने एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में दे दिया है फिलहाल, और वैकेंसी जो है आप लोगों के लिए निकल कर आ गई हैं। आप चाहें इसकी तैयारी में लग सकते हैं। पोस्टें बिल्कुल भी कम मत समझना, आपको एक ही पोस्ट पर जॉब लेना है। यहाँ पर टोटल 1, 13, 14 और 9 पोस्टें अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग आप लोगों के लिए रखी गई हैं। सैलरी जो मिलेगी वो 21,700 रुपये से 69,100 रुपये
जनरेटर मैकेनिक, जनरेटर ऑपरेटर और लाइनमैन वालों को मिलेगी 25,500 से 81,000 रुपये पर मंथ सैलरी। प्लम्बर कारपेंटर ट्रेड के छात्रों को मिलेगी। आज की वीडियो में नई गाइज, हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई जॉब अपडेट के साथ जो रहेगी ITI पास आउट छात्रों के लिए परमानेंट सरकारी भर्ती की अपडेट। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, क्योंकि आपको 100% रियल जॉब अपडेट और सबसे पहले हमारे चैनल पर ही देखने को मिलती है। वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक जरूर करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाकर ज्वाइन कर लो ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकेगी। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।